सो बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसमें अब हमें इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल क्राइसिस भी देखने को मिल रही है। बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जिसको हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, उसमें दोस्तों जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं जिनको कि गारमेंट वर्कर्स कहा जाता है या फिर कभी कभार आरएमजी वर्कर्स यानी कि रेडीमेड गारमेंट वर्कर्स भी कहा जाता है, उनके द्वारा अब यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू किया गया है। ये सारी की सारी डेवलपमेंट हमें कल ही देखने को मिली है। बांग्लादेश बढ़ रहा है एक सिविल वॉर की तरफ। शेख हसीना के हटते ही वहां पर जो एक नई सत्ता आई थी मोहम्मद यूनुस की, जो कि एडवाइजर कहलाते हैं, वो अब संभाल नहीं पा रहे कंट्री को। पहले तो तख्ता पलट कर लिया अमेरिका के साथ मिलकर, इसीलिए मेरे पीछे बांग्लादेश और अमेरिका दोनों का फ्लैग है, दोनों मिलकर नहीं संभाल पा रहे। और आर्मी रूल वाली सिचुएशन आ चुकी है। लगभग कल बांग्लादेश में एक नोटिफिकेशन इशू किया गया जिससे आर्मी को ऐसी पावर्स दे दी गई कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है और किसी को भी गोली मार सकती है। जिस बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, अब उसी बांग्लादेश पर म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या मुस्लिम टूट पड़े हैं, बांग्लादेश में अपना हक मांग रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि वापस नहीं जाएंगे, अपना हिस्सा लेकर रहेंगे। यानी अब जंग बांग्लादेश के मुस्लिमों और म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिमों के बीच शुरू हो चुकी है। दोस्तों, बांग्लादेश ने ये सोचा था कि हम भारत को आंखें दिखा लेंगे अमेरिका के कहने के ऊपर, और इतने सारे मुस्लिम देश हैं वो हमारे साथ आ ही जाएंगे धीरे धीरे करके। दोस्तों, आज भारत वो भारत नहीं है, बांग्लादेश की औकात नहीं है, चींटी की तरह जब चाहे उसको मसल दें। लेकिन भारत इस वक्त किसी से लड़ने के मूड में नहीं है। आप जानते हैं ना कि हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और यही चीज दुनिया को अखर रही है। 8% की रफ्तार से हम निकल रहे हैं आगे, चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। भारत जो कर रहा हैरान है दुनिया, यूरोप की आप देख रहे हैं रिसेशन में जा चुका है, लेकिन भारत को कोई नहीं रोक पा रहा। यही चीजें लोगों को चुभ रही है, इसलिए वो चाहते हैं कि भारतीयों को डिस्टर्ब किया जाए, चाहे वो बांग्लादेश में हिंदुओं के कुछ किया जाए या बांग्लादेश को धमकियां दिलवाई जाए बांग्लादेश से। लेकिन अब मैंने जैसे बताया कि भारत वो भारत नहीं है दोस्तों, अब भारत भी कुछ ना कुछ करता है। अब देख लीजिए, रोहिंग्या शांत बैठे थे, ये झगड़ा करने के लिए कैसे पहुंच गए हैं। उनके वर्कर्स भूखे मरने लगे हैं तो सारे ऑर्डर्स भारत आए तो इनकी आग लग गई है। धीरे धीरे दोस्तों देखिएगा बांग्लादेश की हालत बिल्कुल पाकिस्तान जैसी होने वाली है, इनका हाल यही होगा। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसमें अब हमें इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल क्राइसिस भी देखने को मिल रही है। बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जिसको हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, उसमें दोस्तों जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं जिनको कि गारमेंट वर्कर्स कहा जाता है या फिर कभी कभार आरएमजी वर्कर्स यानी कि रेडीमेड गारमेंट वर्कर्स भी कहा जाता है, उनके द्वारा अब यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू किया गया है। ये सारी की सारी डेवलपमेंट हमें कल ही देखने को मिली है। आप लोग देख सकते हैं गारमेंट वर्कर्स का जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पे वायलेंट हो चुका है, जिसमें कि एक वर्कर की डेथ भी हो चुकी है एंड साथ में कई सारे यहाँ पे वर्कर्स हैं जो कि इंजर भी हो चुके हैं। यहाँ पर भी आप लोग देख पाएंगे, ये डेवलपमेंट्स कल सामने आ रही थी कि बहुत सारे वर्कर्स हैं जिन्होंने ढाका के आसपास के बहुत सारे एरियाज में जो प्रोटेस्ट हैं उनको शुरू कर दिया है। एक इंसान की मृत्यु हो गई है एंड 41 से भी ज्यादा लोग हैं जो कि यहाँ पे इंजर हो चुके हैं। बांग्लादेश बढ़ रहा है एक सिविल वॉर की तरफ। शेख हसीना के हटते ही वहां पर जो एक नई सत्ता आई थी मोहम्मद यूनुस की, जो कि एडवाइजर कहलाते हैं, वो अब संभाल नहीं पा रहे कंट्री को। पहले तो तख्ता पलट कर लिया अमेरिका के साथ मिलकर, इसीलिए मेरे पीछे बांग्लादेश और अमेरिका दोनों का फ्लैग है, दोनों मिलकर नहीं संभाल पा रहे। और आर्मी रूल वाली सिचुएशन आ चुकी है। लगभग कल बांग्लादेश में एक नोटिफिकेशन इशू किया गया जिससे आर्मी को ऐसी पावर्स दे दी गई कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है और किसी को भी गोली मार सकती है। बांग्लादेश बढ़ रहा है एक सिविल वॉर की तरफ। शेख हसीना के हटते ही वहां पर जो एक नई सत्ता आई थी मोहम्मद यूनुस की, जो कि एडवाइजर कहलाते हैं, वो अब संभाल नहीं पा रहे कंट्री को। पहले तो तख्ता पलट कर लिया अमेरिका के साथ मिलकर, इसीलिए मेरे पीछे बांग्लादेश और अमेरिका दोनों का फ्लैग है, दोनों मिलकर नहीं संभाल पा रहे। और आर्मी रूल वाली सिचुएशन आ चुकी है। लगभग कल
कल बांग्लादेश में एक नोटिफिकेशन इशू किया गया जिससे आर्मी को ऐसी पावर्स दे दी गई कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है और किसी को भी गोली मार सकती है। क्यों उसमें हमें ये देखना चाहिए कि बांग्लादेश हैज रिसीडेड और इट इज नॉट इन अ पोजीशन टू टेक एनी रिस्पांसिबिलिटी फॉर द ऑर्डर्स ऑफ गारमेंट्स व्हिच मेनी ऑफ द मल्टीनेशनल्स हैव प्लेस्ड एंड देयरफॉर द ट्रस्ट एंड फेथ of these industrial houses had been shaken. They are now outsourcing their requirement to India. So, usse ye hua hai, isse ye hoga ki Bangladesh ki dependency us countries pe badh jayegi. Third reason is also ki China ne lagta hai lagbhag Bangladesh ka haath chhod diya hai. Usse nahi lagta ki wo Bangladesh ko aur madad kar payega. चाइना खुद अपने प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए बेसिकली जो सिविल वॉर की जो सिचुएशन अभी लेबनान में तबाही मचाई हुई है, पाकिस्तान में इन्होंने सिचुएशन काफ़ी बुरी कर दी है, और द सेम यू कैन से अबाउट इराक आल्सो, जो राज्य बांग्लादेश के आसपास हैं उनमें डेमोग्राफिक चेंजेस आ सकते हैं और परिस्थिति बिगड़ सकती है। बांग्लादेश के अंदर परिस्थिति सुधरने पर भी कई सारे ऐसे लोग होंगे हु विल नॉट ऑप्ट टू गो बैक टू बांग्लादेश, तो ये एक और आने वाली परिस्थिति है जिससे हमें निपटना चाहिए। भाई साहब, इंडिया ने तो ठान लिया है कि इनको मिट्टी में मिलाना, और ये पागल कुत्ते हो गए। अबे तुम लोग क्यों नहीं समझते हो कि तुम लोगों को इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर से ही निकाला है। पाकिस्तान से तुम्हें पैदा किया है इंडिया ने, वो तुम्हारा बाप है, और तुम अपने बाप को बोल रहे हो चिकन नेक को भाई साहब हम तोड़ देंगे, तो असम को इन राज्यों को हम आपसे अलग कर देंगे, उसको बांग्लादेश कैसा बना देंगे। ओ भाई, हम पाकिस्तानी इधर बैठ के बोले, हम पाकिस्तान जैसा देश इनका कुछ उखाड़ नहीं सका, जिसके पास 7-8 लाख की आर्मी, जिसके पास एटम बम है, जिसके पास तुम अच्छे मिसाइल्स हैं, वो कुछ ना भारत का उखाड़ सका, तो तुम भूतनी के क्या उखाड़ोगे। और यार मैं कहता हूँ कि आधे घंटे की गेम इंडियन पे कब्जा कर लेगा सारे रास्तों से, सारे रास्तों से। 2 करोड़ की हिंदू आबादी बांग्लादेश में बैठी हुई है, बिल्कुल वो 2 करोड़ तुम्हारी मुल्लों की मार देंगे, सिर्फ इंडिया वहाँ पे आदेश दे दे कि 2 करोड़ भाई साहब हिंदुओं इनकी मार कर रखो, मुल्ले नजर नहीं आएंगे, मुल्ले उल्टा अपनी गर्दनें छुपाते हुए उधर से भागेंगे। उल्टा वो इंडिया को धमकी कहते हैं, इंडिया की मंत्री वो औरत जो है वो धमकी दे रही है कि ये बांग्लादेश की वो धमकी दे रही है कि ये मतलब पानी का हल करो, नहीं तो हम सब कुछ बंद कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई साहब, इंडिया का तुम बाल भी कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। 74-75 साल ने भी बोल कुछ दिया है, इंडिया ने भी बोल दिया कि भाई साहब तुम्हारे 2-2 इलाके हमारी नजर में, 2-2, अगर तुमने कुछ हल्की सी भी मस्ती की ना तो भाई साहब तुम टुकड़ों में हो जाओगे। तू यकीन कर, बांग्लादेश में इतनी जरूरत नहीं है, इतनी ताकत की मैली आंख भी उठा के इंडिया की तरफ देख सके, जिसने पैदा किया, जिसने सब कुछ दिया, उसकी तरफ मैली आंख उठा के बांग्लादेश देखेगा। वही तो।